हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और टुडेज टॉपिक इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास प्लस वन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एज फॉलोज। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2010। तो 31 दिसंबर 2010 के हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो किस प्रकार से जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक 3000, क्लोजिंग स्टॉक 8000, परचेज 22000, कैरीज 500 एंड सेल रुपीज 29630। तो किस प्रकार से पार्ट वाइज जो है इसको शुरू किया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा। आप सभी बच्चों ने जो है पिछली वीडियो जो हमारी थ्योरेटिकल पोर्शन की वीडियो थी, वो आपने बड़े ध्यान से समझ ली होगी। और यदि आपने उस वीडियो को ध्यान से देख लिया होगा, तो अब आपको इसके प्रैक्टिकल करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर किसी बच्चे ने जो है वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैंने जैसे आपको बताया उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन की वीडियो देख लें, ताकि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो बड़े ध्यान से समझ आए। तो आज हम जो है इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन जो है हम आज करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, आप लोगों को बताया था कि जिस भी अकाउंट को आप बनाते हैं उस अकाउंट का नाम बिल्कुल सेंटर में लिख दिया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। और आपके पास दिया है 31 दिसंबर 2010, जो आपके पास डेट दी उस डेट लिखनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर फिर अमाउंट इन रुपीज। तो सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया है, और ओपनिंग स्टॉक आपके पास दिया है टू। ओपनिंग स्टॉक लेफ्ट हैंड साइड में टू शब्द का प्रयोग और राइट हैंड साइड में बाय शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया है टू ओपनिंग स्टॉक 3000। हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा सबसे पहले 3000 टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हमारे पास परचेज दी हुई है, तो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखें कि सेल और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्रेडिट साइड आता है, बाय सेल अकाउंट और बाय क्लोजिंग स्टॉक, और बाय क्लोजिंग स्टॉक भी जो है वो क्रेडिट साइड आता है। तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8000। उसके बाद आपके पास परचेज दी हुई है, परचेज जो दी हुई है 22000। आपके पास फिर कैरिज दिया है, जो कैरिज दिया है वो आपके पास दिया है 500। और उसके पास आपके पास बाद उसके बाद आपके पास सेल दी है, और सेल जो दी है वो टोटल दी है 29630। उसके बाद इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने से पहले आप ये देखें कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो आप पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। यदि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे। यू विल फाइंड इन दिस क्वेश्चन द क्रेडिट साइड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, एंड दैट इज 37630। और 37630 में से फिर आप इसको घटाएंगे, तो घटाने के बाद आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दैट इज 12130, एंड द टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू इच अदर, दैट इज 37630। तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दी हुई है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके अंदर आएंगे नहीं, ध्यान रखिए इस बात का। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो पार्ट एंड पार्शल है किसका जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। दैट इज नॉट ए पार्ट एंड पार्शल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज पार्ट एंड पार्शल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, क्लोजिंग स्टॉक आएगा और सेल आएगी। तो सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। जब इस अकाउंट को बनाएंगे, यानी कि सेकंड पार्ट इसका, तो ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। तो टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपके पास दिया है 8600, 8600 जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास परचेज दी है, एंड दैट इज 30500। उसके बाद आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 4000, तो 4000 लिख देंगे। उसके बाद आप सभी जानते हैं आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए 5000, जो ट्रेडिंग
ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे, आएंगे परंतु प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे। उसके बाद आप सभी जानते हैं आपके पास सेल दी हुई है, तो बाय सेल, और जो सेल आपके पास दी हुई है बाय सेल अकाउंट, आपके पास दिए 50,000। उसके बाद आपके पास जो है क्लोजिंग स्टॉक दिया है बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट जो आपके पास दिया है वो दिया है 9,000। और टोटल करने के बाद हियर यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, तो टोटल आपका क्रेडिट साइड का ज्यादा आया, तो यहां पर भी आप क्रेडिट साइड का टोटल लिख देंगे। क्रेडिट साइड का टोटल जो आपके पास आया वो 59,000 आया। 59,000 में से, 59,000 में से आप जो है ये सारी आइटमें घटा देंगे, जितना भी आप घटाने के बाद जो आपके पास आएगा वो आपका ग्रोस प्रॉफिट आएगा, एंड दैट इज 15,900 ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस प्रकार से आप इसको जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। तो ये था जी आपका इसका सेकंड पार्ट। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास दिया ओपनिंग स्टॉक, कैरिज इनवर्ड, रॉयल्टी ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट चार्जेस, परचेज, वेजेस, सैलरी नहीं आएगी क्योंकि सैलरी इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिंटिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक, सेल, सेल रिटर्न इनवर्ड जो सेल में से कटाया जाएगा, और रिटर्न आउटवर्ड जो परचेज में से कटाया जाएगा। तो ये आपके पास दिया है, तो सबसे पहले आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट इन रुपीज, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट इन रुपीज, तो फिर टू ओपनिंग स्टॉक आपके पास दिया है, और टू ओपनिंग स्टॉक आपके पास दिया है 8,850। उसके बाद आपके पास परचेज दी है, परचेज आपके पास दी है 43,000, इन कॉलम में लिखेंगे कि पड़ेगी क्योंकि इसमें से लेस करते हैं आप रिटर्न आउटवर्ड, जिसको आप परचेज रिटर्न भी बोलते हैं, और रिटर्न आउटवर्ड कटाने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो इन कॉलम में लिखा जाएगा, एंड दैट इज 40,000। उसके बाद आप सभी जानते हैं आपके पास कैरिज दिया है, कैरिज आपके पास दिया है 300, कैरिज आपने लिखना है फिर 300, फिर रॉयल्टी ऑफ रॉ मटेरियल्स दिया है, रॉ मटेरियल्स की रॉयल्टी जो है वो आएगी, दैट इज 800। उसके बाद आप सभी जानते हैं जी आपका इंपोर्ट चार्जेस आएंगे 200, तो इंपोर्ट चार्जेस भी आपके पास दिए 200, वेजेस आपकी आएगी 10,000, सैलरी नहीं आएगी क्योंकि सैलरी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, तो वेजेस आप यहां लिखेंगे, सैलरी नहीं आएगी, सैलरी जो है दैट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिंटिंग भी नहीं आएगी जो आपके पास दी है, प्रिंटिंग जो है दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद वेजेस के बाद आपके पास जो है वो सेल दी है, तो आप लिखेंगे बाय सेल, सेल अकाउंट, और सेल अकाउंट आपका बैलेंस दिया हुआ है 90,000, 90,000 में से आप लेस कटेंगे रिटर्न जो आपके पास दिया, लेस रिटर्न, रिटर्न मींस रिटर्न इनवर्ड, या विच यू कैन से सेल रिटर्न, दैट इज 1,000, तो 1,000 इसमें से कटा दिया तो आपके पास 89,000 आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद 89,000 आउटर कॉलम में लिखने के बाद आप क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है वो क्लोजिंग स्टॉक लेंगे आप, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपके पास दी हुई है 12,500, 12,500 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है। तब आप टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, एंड द टोटल इज, इसका टोटल करने के बाद इसका टोटल आया 1,01,500, और इसका टोटल भी जो है इस साइड भी आप इतना ही लिख देंगे 1,01,500। ये सारे खर्चे इसमें से कटाएंगे, तो खर्चे कटाने के बाद आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ग्रोस प्रॉफिट आएगा, एंड दैट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दैट इज 41,350। दैट मींस कि टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, एंड द बैलेंसिंग फिगर इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दैट इज 41,350। तो ये आपका इसका पार्ट थर्ड था। पार्ट थर्ड करने के बाद अब इसका हम पार्ट फोर्थ करेंगे, तो पार्ट फोर्थ में के आपके पास क्वेश्चन दिया है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक दिया है, आपके पास इसकी कैरिज इनवर्ड दिया है, कैरिज आउटवर्ड दिया है, कैरिज आउटवर्ड नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों को पहले ही बताया था कि कैरिज जो जितने भी इनवर्ड के खर्चे वो आते हैं, आउटवर्ड के खर्चे नहीं आते हैं, तो आउटवर्ड जो होगा कैरिज आउटवर्ड वो आपका ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर जो किया जाएगा वो ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद कैरिज आउटवर्ड के बाद कोल यूज दिए है 300, उसके बाद कोल यूज के बाद आपके पास बेसिक कस्टम ड्यूटी दी है, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बाद आपके पास जो है क्लीनिंग चार्जेस दिया है, परचेज दिया है, सेल रिटर्न दिया है, और सेल दिया है और परचेज रिटर्न दिया है। तो किस प्रकार से इसको दिखाया जाएगा, ध्यान रखें इस बात का कि कैरिज आउटवर्ड नहीं आएगा, कैरिज इनवर्ड आएगा,
और बाकी सारी आइटमें जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में और कुछ प्रॉफिट ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएंगी। तो किस प्रकार से इसको किया जाएगा, तो सबसे पहले आपके पास आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 लिखेंगे पूरा आप। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। फिर उसके बाद सबसे पहले आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, जो ओपनिंग स्टॉक आपके पास दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया आपके पास 2000। तो सबसे पहले आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा 2000। फिर आपके पास परचेज दी है, परचेज जो आपके पास दी है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक के बाद आप जनरली परचेज को लिखते हैं, तो जो आपके पास परचेज दी है उस परचेज को आप यहां लिखेंगे। तो परचेज आपके पास दी है 20000 परचेज में से आप लेस करेंगे, लेस जो आपका होगा रिटर्न आउटवर्ड, जिसको आप परचेज रिटर्न बोलते हैं। परचेज रिटर्न जो आपके पास 200 दिया है, 200 आप इसमें से घटाएंगे, तो आउटर कॉलम में आप घटाने के बाद जो आपके पास आएगा 19800 जो आप लिखेंगे। उसके बाद कैरिज इनवर्ड आपके पास दिया है 200, और कैरिज आउटवर्ड आप इसमें नहीं देंगे क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट एंड पार्सल है। उसके बाद कोल यूज्ड जो है वो 300 बोलेंगे आप। उसके बाद कस्टम ड्यूटी जो है वो 250 बोली जाएगी। उसके बाद ऑक्ट्री जो आपकी 50 रुपीज है, तो 50 रुपीज ऑक्ट्री ली जाएगी। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिज हैं, दैट इज ए पार्ट आल्सो ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज 600। उसके बाद आप जो है क्लीनिंग चार्जेस लेंगे, क्लीनिंग चार्जेस जो आपके पास दिए हैं वो दिए हैं 175। तो क्लीनिंग चार्जेस भी जो है वो ट्रेडिंग का पार्ट माना जाता है। उसके बाद बाय सेल जो है सेल अकाउंट का जो है वो 30000 दी हुई है, इसमें से जो है लेस रिटर्न की जाएगी। अगर कोई सेल रिटर्न हो तो लेस रिटर्न इनवर्ड, जो सेल है जब सेल के साथ या परचेज के साथ जो इन्फॉर्मेशन दियो तो इसे इनर कॉलम में दिखाया जाता है। किसी भी आइटम की ट्रायल बैलेंस के अंदर जो दिए और उसके साथ इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए तो उसे इनर कॉलम में दिखाया जाएगा। तो सेल में से भी सेल रिटर्न को कटाया जाएगा, तो सेल को इनर कॉलम में दिखाया जाएगा। फिर जो कटाने के बाद जो आता है उसको आउटर कॉलम में दिखाया जाएगा। तो सेल में से आपने सेल रिटर्न कटाया तो आपके पास आया 29700। उसके बाद आपने इसका क्लोजिंग स्टॉक लिखा, जो आपके पास दिया है बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो आप लिखेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास दिया है 1500। और फिर आप इसका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, और जो क्रेडिट साइड का टोटल आया वो आपके पास आया 31200 में से आप सारे खर्चे कटाएंगे। इन सारे खर्चों को कटाने के बाद 31000 में से सारे खर्चे कटाने के बाद आपके पास ग्रोस प्रॉफिट आया, जो कैरी डाउन किया और ट्रांसफर किया आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड दैट इज 7825। एंड द टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज 31200 एंड 31200। उसके बाद इसका पार्ट फोर के बाद इसका पार्ट, ये आपका पार्ट फोर था पहले क्वेश्चन का, इसी प्रकार से आप पार्ट फाइव करेंगे। तो पार्ट फाइव में सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पार्ट फाइव में क्या दिया है, सेल दिया आपके पास 50000, सेल रिटर्न दिया है उसमें से कटाया जाएगा, सेल में से सेल रिटर्न कटाएंगे, फिर परचेज दी है और फिर परचेज में से परचेज रिटर्न कटाया जाएगा, फिर वेजेस दी है, फिर पावर दी है, फैक्ट्री रेंट रेंट एंड टैक्सेस दिया है, जनरल एक्सपेंसेस इसके अंदर आएंगे नहीं क्योंकि जनरल एक्सपेंसेस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद कैरिज इनवर्ड, गैस एंड वाटर, तो ये सारी चीजें आपके पास दी है। तो किस प्रकार से इसको दिखाया जाएगा, सबसे पहले आपके पास सेल दी है तो आप यहां लिखेंगे बाय सेल, तो बाय सेल आपके पास दी है जितनी भी दी है उसको लिखेंगे आप बाय सेल अकाउंट, और सेल अकाउंट का बैलेंस आपके पास दिया है 50000। तो सबसे पहले आप 50000 जो है वो सेल लिखेंगे, उसमें से लेस करेंगे रिटर्न, लेस करेंगे आप क्या करेंगे रिटर्न इनवर्ड जिसको आप बोलते हैं, या विच यू कैन से सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न आपके पास दिए 850, जब आप 50000 में से कटाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा 49150। उसके बाद आपके पास परचेज दी है, परचेज आप इनर कॉलम में लिखेंगे, परचेज आपके पास दिया 20575, इसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न, दैट इज 375, इसमें से कटाने के बाद जो आपके पास आएगा वो आएगा 20200, दैट इज नेट परचेज। उसके बाद आपके पास वेजेस दी है, वेजेज आपके पास दिया 275, इसको लिखेंगे। उसके बाद पावर दी है टू पावर अकाउंट, तो आपके पास दिया है 75 का, तो 75 जो आप पावर लिखेंगे। उसके बाद जितने भी फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, चाहे रेंट रेट टैक्सी है, चाहे फैक्ट्री इंश्योरेंस है, चाहे फैक्ट्री लाइटिंग है, चाहे कोई अन्य खर्चा है, तो वो सारे के सारे खर्चे जो है वो इसके अंदर दिखाए जाएंगे, वो आपका 170 दिया है। उसके बाद आपके पास जनरल एक्सपेंसेस दिए हैं जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट एंड पार्सल माना जाएगा। उसके बाद आपके पास कैरिज इनवर्ट दिया है, और कैरिज इनवर्ट दिया आपके पास 330। उसके बाद आपके पास गैस एंड वाटर दिया है, तो गैस एंड वाटर आपके पास दिया है 195,
और उसके बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड एंड द टोटलिंग ऑफ क्रेडिट साइड इज, आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद यू विल फाइंड, क्योंकि आपको बस क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया इसलिए क्लोजिंग स्टॉक जब नहीं दिया तो ना ही ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक किसी बिजनेस का नहीं दिया तो आपने वो नहीं लेना है। यूं भी आप देखने लगते हैं क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक और जो चीज आपके पास दी उसी के बेस पर आप जो है क्वेश्चन को करें, अदरवाइज अपने आप से कोई भी आइटम ना लिखें। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर नहीं दिया था इसलिए मैंने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिया। तो टोटल जो है वो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया 49,150 में से जब हमने इसको कटाया, यानी कि टोटल खर्चों में से जब हमने टोटल इनकम में से हम जब सारे खर्चों को घटाने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आया जी 25,430 एंड दैट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये इसका पांचवा पार्ट था, अब इसका छठा पार्ट करेंगे। तो छठा पार्ट हम पढ़ते हैं, इस छठे पार्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी है कि फैक्ट्री लाइटिंग दी है जो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगी, ऑफिस लाइटिंग आएगी नहीं क्योंकि ये दैट इज एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑफिस लाइटिंग के बाद हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया है जी सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी एंड वेजेस नहीं आएगा। अगर वेजेस एंड सैलरी होता तो ये आता ट्रेडिंग में, परंतु अगर सैलरी एंड वेजेस दिया है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगी, परचेज रिटर्न परचेज में से लेस होगी, सेल आएगी, डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा क्योंकि दैट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लीगल एक्सपेंसिज भी नहीं आएंगे और परचेज रिटर्न जो है परचेज ऑफ फर्नीचर भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें जो आएंगी वो हम दिखाते हैं और जो इसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है हमारे पास जो है वो फैक्ट्री लाइटिंग दी है, तो फैक्ट्री लाइटिंग जितनी दी है हम उसको लिख देंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो फैक्ट्री लाइटिंग हमारे पास दी है 300, तो 300 फैक्ट्री लाइटिंग दी है। उसके बाद ऑफिस लाइटिंग आएगी नहीं, सैलरी आएगी नहीं, सैलरी एंड वेजेस आएगी नहीं। ओपनिंग स्टॉक हम लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास दिया है 2175, तो 2175 पे जो है वो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। उसके बाद आप सभी जानते हैं आपके पास परचेज दी है, परचेज जो आपके पास दी है वो दी है 4280 जिसमें से आप लेस करेंगे परचेज रिटर्न, और ये परचेज रिटर्न जो आपके पास दी है वो 230 दी है। घटाने के बाद ऑर्डर कॉलम में लिखेंगे 4050, और 4050 लिखने के बाद अब आप क्या लिखेंगे सेल, क्योंकि परचेज में से आपने परचेज रिटर्न घटा दी और परचेज में से परचेज रिटर्न करने के बाद आपके पास सेल दी है, तो यहाँ लिखेंगे बाय सेल, और इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि सेल के साथ रिटर्न दिया हुआ है, सेल के साथ सेल जो रिटर्न दिया है वो नहीं दिया है, तो इसका मतलब अगर नहीं दिया तो यहाँ नील कोई नहीं है, परंतु तो इसका मतलब है कि आपको इसको इनर कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं थी, तो 6000। उसके बाद आपके पास जो है वो डिस्काउंट अलाउड दिया है जो नहीं आएगा, तो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लीगल एक्सपेंसिस आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परचेज रिटर्न जो आपने परचेज ऑफ फर्नीचर भी जो इसके अंदर नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि आपके पास और कोई चीज नहीं दी हुई है, आपके पास ना ही क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक दिया है परंतु क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक आप नहीं लेंगे। तब आप टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड एंड द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 6,525, और फिर आपके पास बैलेंस आएगा, और जो बैलेंस आया आपके पास आया वो आपके पास आया ग्रोस लॉस, और जो ये ग्रोस लॉस है, ग्रोस लॉस जो है ये ट्रांसफर होगा, इट विल बी ट्रांसफर टू, ट्रांसफर किया जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं आप इसको और कैरी डाउन लिखते हैं यहाँ पर। तो बात यह आती है कि जब आप इसका टोटल करते हैं तो टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। यदि डेबिट साइड का टोटल जो है व्हेन ओवर एक्सपेंडिचर इज मोर देन ओवर इनकम, व्हेन ओवर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज मोर देन ओवर सेल, दैट मीन्स कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका ग्रोस लॉस आएगा, जो पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको समझाया था कि व्हेन ओवर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज मोर देन ओवर सेल, दैट मीन्स कि जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ग्रोस लॉस आएगा, ग्रोस लॉस आएगा। और इफ कॉस्ट ऑफ सेल इज मोर देन द सेल इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, देन द बैलेंसिंग फिगर इज ग्रोस प्रॉफिट एंड इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस प्रकार से इसको आप बनाते हैं। तो उसके बाद अब इसका जो अंतिम पार्ट है, जो सेवन पार्ट है, तो ये सिक्स पार्ट में आपने देखा, उसके बाद सेवन्थ पार्ट में इसमें क्या क्या दिया है आप देखेंगे और क्वेश्चन को पढ़ते हैं जिससे आपको और भी क्लियर होगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी दी है, परचेज दिया है, सेल दिया है, सेल ऑफ डिलीवरी वैन दिया है, तो सेल ऑफ डिलीवरी वैन नहीं आएंगे क्योंकि दैट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स भी नहीं आएगा क्योंकि दैट इज ए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट है, डॉक चार्जेज आएगा, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स आएगा,
फैक्ट्री लाइटिंग एंड इंश्योरेंस आएगा, कैरिज ऑन सेल नहीं आएगा क्योंकि दैट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैरिज ऑन मोटर कार भी नहीं आएगा क्योंकि दैट इज ऑल्सो ए पार्ट कैरिज ऑन सेल ऑफ मोटर कार भी नहीं आएगा क्योंकि दैट इज ऑल्सो ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक आएगा और ट्रेडिंग एक्सपेंसिस भी नहीं आएगा, क्योंकि ध्यान रखना इस बात का कि फैक्ट्री एक्सपेंसिस आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिस आएंगे, जो ट्रेडिंग एक्सपेंसिस है दैट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो जो आइटम आएंगी वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बेसिक कस्टम ड्यूटी दी हुई है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो आपके पास दी हुई है वो एक्साइज ड्यूटी के नाम से जो है वो दी है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है आपके पास जितनी इसके अंदर दी है वो, तो वो बेसिक कस्टम ड्यूटी भी जो है ये नहीं मानी जाएगी। बेसिक कस्टम ड्यूटी की जगह अगर कस्टम ड्यूटी होती तो वो आती, बेसिक कस्टम ड्यूटी भी जो है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ किसका माना जाता है जी, दैट इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कैरिज ऑन सेल, कैरिज ऑन परचेज। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी भी इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है ये पार्ट एंड पार्सल जो है वो माना जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो सबसे पहले आपके पास परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास दी है 2150। फिर आपके पास परचेज दी है, परचेज जो आपके पास दी है वो दी हुई है जी 11190। फिर आपके पास सेल दी है बाय सेल, तो आप बाय सेल लिखेंगे बाय सेल अकाउंट, और सेल अकाउंट जो आपके पास दिया है वो दिया है 29680। उसके बाद 300 डॉक चार्जेस के बाद आपके पास दिया है फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री रेंट रेट एंड टैक्सेस, फैक्ट्री रेंट रेट एंड टैक्सेस जो आपके पास दिया है वो 380 दिया हुआ है। और इसके बाद फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग एंड इंश्योरेंस का दिया है वो आपके पास दिया है 995 995 आपके पास ये दिया है। और आपके पास जो है वो कैरिज ऑन सेल ये नहीं आएगा, कैरिज ऑन सेल ऑफ मोटरवे नहीं आएगा। ओपनिंग स्टॉक हमने दिखा दिया है। तो उसके बाद हमारे पास जो है एक्साइज ड्यूटी है और ऑक्ट्री एंड इम्पोर्ट ड्यूटी और एक्साइज बेसिक कस्टम ड्यूटी। अर्थात सिंपल सी बात है कि इसमें ऑक्ट्री एंड इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं दी हुई है बल्कि बेसिक कस्टम ड्यूटी दी हुई है। तो यहां पर आप बेसिक कस्टम ड्यूटी लिखेंगे, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो आपके पास दी हुई है टू बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो पार्ट एंड पार्सल माना जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट का ही, तो ये आपके पास दी है 1465। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो आपके पास दी है ये दी है 1465 एंड दैट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में उसके बाद आपके पास बेसिक कस्टम ड्यूटी के बाद आपके पास और कोई चीज नहीं दी हुई है। तो इसको करने के बाद जब आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड दैट इज 29680 एंड 29680। तो इस प्रकार से जब आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड एंड द बैलेंसिंग फिगर दैट इज 13200 जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी में या जनरली जो हम मानते हैं वो हम ऑक्ट्री और एक्साइज ड्यूटी को मानते हैं, ऑक्ट्री एंड इम्पोर्ट ड्यूटी को मानते हैं, इसलिए इसको अलग अलग ना दिखाकर हम यहाँ पर, क्योंकि इकट्ठा दिया हुआ अमाउंट, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी हमारी 1465 है, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड ऑक्ट्री एंड इम्पोर्ट ड्यूटी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो हमने इसका टोटल 14,1465 रुपये दिया हुआ है। तो टोटल किया, तो टोटल करने के बाद हमारा क्रेडिट साइड का टोटल जो है डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा आया, और टोटल करने के बाद जब हमने इसको निकाला तो हमारे पास 13200 जो है वो ग्रोस प्रॉफिट आया। तो इस प्रकार से हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। आप सभी बच्चों को से यही आग्रह रहेगा कि आप क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखें और बड़े आराम से करें। यार बच्चों, बड़े प्यार से आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप लोग सभी स्टूडेंट्स जो है उसको बड़े ध्यान से करें, और जैसे ही आपको समझ आ जाता है या आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो अगली वीडियो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए आप सभी का थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल। थैंक यू।